के धुले कपड़े पहन के बाबूजी बन गए, तब हम जाति पूछ रहे हैं। इस समय सनातन एकता की बहुत आवश्यकता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब मिलकर के रहे। ब्राह्मण भगवान का मुख है, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य पेट है, शूद्र चरण है, सब जरूरी है। चरण ठीक नहीं तो कहां निकलेंगे। पैर में अगर चोट है, पैर टूट जाए और हमारा मन करे कि आज कहीं जाकर के हम चाट पकौड़ी खाएं, जब हमारा पैर ही मजबूत नहीं है तो हम कहां जा पाएंगे। सबको मिलकर के रहना आवश्यक है। सनातन धर्म में चार आश्रम है। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचारी को गुरुकुल में रह करके गुरुजी की आज्ञा पालन करते हुए विद्या अध्ययन में मन लगाना चाहिए। भिक्षा मांग करके लाए, गुरुजी को दें और जितना गुरुजी दे दें उसी में अपना निर्वाह करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के बाद दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थी को 5 यज्ञ करने चाहिए। पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। हर घर में मंदिर होना चाहिए, भगवान की सेवा ब्रह्म यज्ञ कहलाती है। अभी हैदराबाद गए तो एक बहू ने कहा, माताजी तो 5 बजे जग के और 6 बजे तक सेवा कर देती हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं, हम लोग 8 बजे तक फ्री होती हैं, क्या हम भी गोपाल जी की दोबारा से नवामें, दोबारा से पहनाएं, दोबारा से सेवा करें? नहीं, आपस में सेवा बांट लेनी चाहिए। माताजी स्नान करा के वस्त्र पहना के श्रृंगार कर रही हैं तो हम भोजन बनाकर भोग लगाने की जिम्मेदारी ले लें। आपस में सेवा तय कर ली है, कौन 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 सी सेवा करेगा, सारी सेवाओं का फल बराबर है। गृहस्थी का दूसरा यज्ञ देव यज्ञ, सभी देवताओं का सम्मान करना। गणगौर की भी पूजा करनी है और शीतला की भी करनी है, गणेश जी की भी करनी है और शंकर जी की भी करनी है। सूर्य को भी अर्घ देना है, तुलसी में भी जल चढ़ाना है। गृहस्थी को सभी देवताओं का सम्मान करना चाहिए। तीसरा यज्ञ पितृयज्ञ, श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। चौथा यज्ञ है भूत यज्ञ, कबूतरों को दाना डालना भूत यज्ञ कहलाता है। आटे की गोली कछुआ मछली को डालना भूत यज्ञ कहलाता है। घर में भोजन बने तो पहली रोटी गाय के लिए भेजनी चाहिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए भेजनी चाहिए, ये भी भूत यज्ञ है। भोजन बनते ही अग्नि को भोग लगाना भूत यज्ञ है। पांचवा यज्ञ अतिथि यज्ञ, घर आए मेहमान का स्वागत करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम के बाद तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। भागवत जी में लिख रहा है कि 50 वर्ष की आयु जब हो जाए, बच्चों को काम सौंप करके अपना समय भजन करने में या समाज की सेवा में लगाना चाहिए। वानप्रस्थी का एक यज्ञ है आत्मसंयम, अपने आप को स्वयं कंट्रोल में करना चाहिए। घर में रह रहे हैं, आंख होते हुए अंधे बनकर के रहे, बच्चे जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, बीच में बोलना नहीं है। कान होते हुए बहरे बनकर के रहे, वाणी होते हुए गूंगे बनकर के रहे, बड़ा सम्मान होगा, अगली पीढ़ी बड़ी खुश रहेगी। कई त्योहार आते हैं जो बहू सासू जी को कटोरा में मिठाई और मिठाई पे लिफाफा रख करके देती हैं और पैर छूती हैं, बाइना कहते हैं। क्यों देती हैं? बोले माता जी कटोरे में मिठाई है, यदि आप मीठा मीठा बोलती रहोगी तो टाइम टाइम पे लिफाफे आपको मिलते रहेंगे और नहीं तो बहुत जल्दी फ्लैट अलग अलग हो जाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। चौथा आश्रम है सन्यास आश्रम। सन्यासी का एक काम है ब्रह्म चिंतन, भगवान का भजन करना चाहिए। ये सनातन धर्म महिलाओं के ऊपर आधारित है।
महिला को स्वयं शोभायमान रहना चाहिए और अपने घर को सजा धजा करके रखना चाहिए। किसी के घर में जाएं, सामान बिखरा पड़ा है, हर चीज अस्त व्यस्त है, मालूम पड़ जाएगा घर की मालकिन का स्वभाव कैसा है। और घर सजा हुआ है तो देख के मालूम पड़ जाएगा कि घर की मालकिन का स्वभाव कैसा है। धर्म क्यों धर्म करता च सदा धर्म परायण। स्त्री को धर्म करना चाहिए, धर्म कराना चाहिए और जो धर्म करे उसकी सहायता करनी चाहिए। पहले बेटी विदा होती तो सबसे आखिर में बेटी से देहली पूजन कराते, देहली पूजन करके सीधी पालकी में बैठती, विदा होती। देख बेटा सब यहीं आकर के पांव फटकारते हैं, किसी का पांव कहीं गीला हो जाए धीरी भी आके पहुंचता है। धीरी जैसी सहन शक्ति होगी तो सारे घर की चाबी तेरे हाथ में आ जाएंगी।